धार के पीजी कॉलेज के सामने से 17 जनवरी की शाम 5:30 बजे के लगभग 11वीं की छात्रा एग्जाम देकर कॉलेज से बाहर निकली। छात्रा को अगवा कर लिया गया था। धार पुलिस ने घटना का सफल अनावरण करते हुए अपहृत छात्रा को बरामद कर लिया है, साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 17 जनवरी को हुई सनसनीखेज घटना के बाद आज धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया और बताया कि 17 जनवरी को हुई इस सनसनीखेज घटना के बाद से ही धार जिला पुलिस और साइबर क्राइम ब्रांच धार की टीम सक्रिय हो गई थी और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के मार्गदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इंद्रजीत बाकलवार के नेतृत्व में पुलिस की 10 टीमें तलाश में भेजी गई। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि अपहरण की वारदात में उपयोग की गई इको वाहन रिंगनौद टोल नाके पर क्रॉस हुई है और बागवा डेहरी की ओर गई है। पुलिस की टीमों ने तत्काल उन क्षेत्रों की ओर रुख कर दिया और सूचना मिली कि आरोपी 17 जनवरी की रात को अपहृत छात्रा को लेकर एक घर में रुका था और सुबह जल्दी जंगल की ओर रवाना हो गया। पुलिस टीमों ने तत्काल डेहरी के जंगलों में सर्चिंग शुरू की और कल रात लगभग 11 बजे ग्राम बरखेड़ा के जंगल से अपहृत छात्रा को बरामद कर लिया गया, साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। पूरी घटना को 7 आरोपियों ने मिलकर अंजाम दिया था, जिसमें 4 आरोपी मारुति इको वाहन और 3 आरोपी बाइक पर आए थे। सभी आरोपी अलग अलग गाँव के रहने वाले है। पुलिस ने वाहन चालक सहित अब तक कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। परसों शाम में पीजी कॉलेज कैंपस से एमए की छात्रा का अपहरण किया गया था। अपहरण की घटना को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए हम लोगों ने 365 का FIR पंजीबद्ध करके पूरे जिले की 10 टीमों का गठन करके हम लोगों ने अपहृत को बरामद करने का प्रयास शुरू किया। हमारी पूरी टीम, जिसमें थाना प्रभारी और SDOP सब मौजूद थे, इन लोगों की पूरी टीम ने अथक परिश्रम करके डेहरी के जंगल में छानबीन करके आम पब्लिक के भी सहयोग से हम लोगों ने कल रात 11 बजे अपनी छात्रा को सकुशल बरामद करने में सफलता हासिल करी है। घटना के पीछे का जो कहानी आ रही है उसमें एक किसी लड़के के साथ इसका प्रेम संबंध था, प्रेम संबंध एक पुराना प्रेम संबंध था। इसके बाद लड़का उसे पुनः कॉन्टेक्ट करने का प्रयास कर रहा था, लड़की उससे संबंध में बातचीत करने को तैयार नहीं थी, जिस कारण से उसने पूरे कॉन्स्पिरेटिकली षडयंत्रपूर्वक अपने मित्रों के साथ मिल करके प्लानिंग के साथ इसको किडनैपिंग किया था। जो किडनैपर थे उसमें से 3 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। घटना में प्रयुक्त वाहन भी जब्त कर लिया गया है। CS जो आरोपी इसमें फरार हैं उनकी गिरफ्तारी हम लोग बहुत जल्द सुनिश्चित कर रहे हैं। तो इस प्रकार एक बहुत ही सनसनीखेज, बहुत ही गंभीर घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को हम लोगों ने पकड़ा है। साथ ही जो अपहृत छात्रा थी उसकी भी सकुशल हम लोगों ने बरामदगी करी है। इसके लिए हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत किया है। मैं अपनी पूरी टीम पे गर्व करता हूं और पूरी टीम को मैं 10,000 रुपया कैश रिवार्ड देने की घोषणा भी करता हूं। वहीं उपयोग की गई इको वाहन भी पुलिस ने जब्त किए है। इस सफलता के बाद पुलिस अधीक्षक धार ने पूरी टीम को 10,000 रुपए के इनाम नगद की घोषणा की है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए धार से रोहित श्रीवास की रिपोर्ट।